मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच। खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है, तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था, वो नहीं मिला, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है। टिल फर्स्ट डे से आज तक मैं अपनी सेम स्टैंड पे हूँ, जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, बहन बेटियों के लिए, तो उसके लिए मैं आज भी स्टैंड पे हूँ। तो मैं किस चीज़ का पल्ला झाड़ रही हूँ? ना ही मुझे किसी चीज़ की लालच है कि मुझे वो चीज़ पाना है, वो चीज़ मुझे चाहिए है। मेरी बुक आई है, उसमें जो भी सच्चाई थी प्रोटेस्ट से लेकर के मेरी लाइफ से लेकर के, वो मैंने सब बताया है सच्चाई के रूप में। ये कहा बजरंग और विनीत जो पॉलिटिकल स्टैंड हो चुके हैं, विनीत जीत भी गई है कि ये किया ही इसलिए किया था ताकि जो है पॉलिटिकल एजेंडा उसमें क्लियर हो सके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाद में उनका ये निजी फैसला होगा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने पॉलिटिकल होना पसंद किया, लेकिन शुरुआत इस चीज़ से नहीं हुई थी। शुरुआत तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, सच्चाई भी है। विनेश ने भी ये चीज़ मेंशन की है, विनेश के अगर बयान उठा करके देखोगे तो उसने भी यही मेंशन किया है कि प्रोटेस्ट के परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे बबीता और तीरथ राणा, और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का, तो इसमें झूठ कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो उनका ये क्या साक्षी को कोई पद नहीं दिया गया, साक्षी को आंदोलन के दौरान ये प्रॉमिस किया गया था साक्षी को कोई पद नहीं? नहीं नहीं नहीं, बजरंग और विनय सिर्फ अपना साइड होकर चल गए? नहीं नहीं, देखो जो उन्होंने किया वो उनका निजी फैसला है, लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था, वो नहीं मिला, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना, जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है, तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ या कुछ भी ऐसा नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगी जो साक्षी मलिक जी ने जो दावा किया है? क्या दावा किया है? फोगाट जी जो है ब्रजभूषण जी की जगह लेना चाहती थी, इसलिए जो है उन्होंने इजाजत दी आप लोगों को? देखो ना, तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, न मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। क्या आपके मन में लालच आ गया था, आपके करीबियों ने भर दिया था, ऐसा दावा? किस चीज का लालच? अब ये तो साक्षी मलिक जी बता पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का? खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है, तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए।